नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भारत सहित दुनिया भर में आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं कर्नाटक के मैसूर में पीएम मोदी ने मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने वाले योग के आसन किए। मैसूर पैलेस ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने योग के जीवन में उपयोगिता और महत्व बताई। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है। पीएम ने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने कोने से आ रही है। ये तस्वीरें आत्मिक बोध के विस्तार की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक सहज, स्वाभाविक और सांझी मानवीय चेतना की तस्वीरें हैं। खास तौर पर तब जब दुनिया ने बीते 2 सालों में सदी की इतनी बड़ी महामारी का सामना किया हो, इन परिस्थितियों में देश, द्वीप, महाद्वीप की सीमाओं से ऊपर योग दिवस का ये उत्साह, ये हमारी जीवटता का भी प्रमाण है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों ना हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है, हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना। वही अग्निपथ योजना पर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि 4 साल की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन मुख्यमंत्री खट्टर ने अपने संबोधन में कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, आइए आपको सुनाते हैं।
17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी, हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से 25% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसके हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटेड उसको जरूर। वही केंद्र सरकार के सेना भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष जोरों शोरों से इसका विरोध कर रहा है। वही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर युवाओं को बेरोजगार करने के साथ देश से गद्दारी करने की योजना है। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी पूंजीपतियों ने देश का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। अगर इनको पकड़ ले तो इतना पैसा मिल जाएगा कि 20 साल तक जवानों को तनख्वाह दे सकते हैं। पीएम मोदी के मित्र मेहुल चौकसी 20,000 करोड़, विजय माल्या 10,000 करोड़, नितिन संदेसरा 6,000 करोड़ और ललित मोदी करीब 2,800 करोड़ लूट कर भाग गए, जबकि बेरोजगार नौजवानों को 20 साल तक तनख्वाह देने का खर्चा 30,000 करोड़ तक ही आएगा। और क्या कुछ कहा है सांसद संजय सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, उनका गुस्सा, उनका आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा है, खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जहां से हिमाचल प्रदेश, जहां से भारी संख्या में हमारे नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, वो इस निर्णय को लेकर आक्रोशित हैं, दुखी हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सेना के तमाम पूर्व अधिकारियों का बयान मैंने सुना, देश के रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, और उन बयानों को सुनने के बाद यह ऐसा लगता है कि यह सिर्फ नौजवानों को बेरोजगार बनाने की योजना नहीं है, बल्कि भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता करने की, भारत माता के साथ गद्दारी करने की, देश की सेना के साथ गद्दारी करने की नरेंद्र मोदी जी की योजना है। यह भारत की सेना के साथ गद्दारी है, यह देश की सेना के साथ गद्दारी है, यह भारत के सेना के गौरव के साथ गद्दारी है, और यह गद्दारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी का बयान मैंने सुना, कई और सेना के पूर्व अधिकारियों का बयान सुना जो बड़े बड़े पदों पर रहे, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं किसी बड़े ऑपरेशन के लिए हमें 6-7 साल 8 साल सेना में अपनी परिश्रम के साथ सेवाएं देने वाले मजबूत जवान की जरूरत होती है। किसी बड़े ऑपरेशन में न्यूनतम 5 साल तक सेना में अपनी सेवा दे चुके जवान को लगाया जाता है। नए रिक्रूटमेंट जो होते हैं, नए जवान जो होते हैं, उनको पीछे रखा जाता है। जो जवान ट्रेन जवान होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, उनको आगे रखा जाता है। और बड़े ऑपरेशन में 5 साल, और विदेशों में भी अगर कोई शांति सेना भेजनी है तो 5 साल तक जो
सेना में सेवाएं दे चुके होते हैं उनको रखा जाता है। एक साल की ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, एक साल की ट्रेनिंग। कोई जवान अगर आज सेना में भर्ती होता है तो उसको नियम है एक साल की ट्रेनिंग देने का। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, उस प्रशिक्षण को घटा के 6 महीने कर दिया। यानी एक जवान जो सेना में एक साल की परिश्रम के साथ, ट्रेनिंग के साथ, कठिन परिश्रम के साथ दुश्मन देशों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, आपने कहा हम उसको 6 महीने में ही तैयार कर देंगे। मोदी जी, दुश्मन देशों के साथ क्या यह भारत की सुरक्षा का समझौता नहीं है? क्या यह भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर दुश्मन देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हमें प्रशिक्षित सेना के मजबूत जवान चाहिए, या 6 महीने की यह आपकी टेम्परेरी योजना जो प्राइवेट कंपनियों के लिए लाई गई है ऐसे जवान चाहिए? इसका जवाब दीजिए, देश आपसे जवाब चाहता है। भारत माता की सुरक्षा के साथ आपने समझौता क्यों किया, किन कारणों से किया? आप पैसे की दलील देते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए पैसे की दलील दी जाएगी? पैसे का अभाव हो गया आपको, देश के जवानों के लिए पैसे का अभाव, भारत की सेना के लिए पैसे का अभाव, भारत के सूरवीरों के लिए आर्थिक संकट, लेकिन अपने मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं है, नीरव मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं है, ललित मोदी के लिए आर्थिक संकट नहीं, नितिन संदेसरा के लिए आर्थिक संकट नहीं, विजय माल्या के लिए आर्थिक संकट नहीं। जोड़िए, मैं कह रहा हूं आपसे, अगर 46,000 नौजवान सेना में भर्ती हो रहे हैं हर साल, उनको 30,000 रुपए की तनख्वाह आप देते, 138 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। मैं कह रहा हूं थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 150 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा हर साल। और अगर आपने 20 साल तक यह योजना, ये उनको तनख्वाह देते रहे, आप 20 साल तक तनख्वाह देते रहे, तो 30,000 करोड़ रुपए का भार आपके ऊपर आएगा। 40,000 करोड़ रुपए और थोड़ा तनख्वाह बढ़ा लीजिए, तभी 40,000 करोड़ का भार आपके ऊपर आएगा। हर साल 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं, 46,000 आप रखने जा रहे हैं, उसमें भी तो करीब करीब 9,000 सैनिक आपके हर साल कम हो रहे हैं भर्तियों में, आपके ऊपर अतिरिक्त भार कहां पड़ रहा है? 55,000 रिटायर हो रहे हैं, 46,000 आप रख रहे हैं, और 46,000 को अगर आप 30,000 रुपए तनख्वाह देते हैं तो 138 करोड़ रुपए, थोड़ा और बढ़ा देते हैं 150 करोड़ रुपए कर लीजिए, 160 करोड़ रुपए कर दीजिए। 20 साल तक अगर इनको आप तनख्वाह देंगे तब भी 32,000 करोड़ हुआ, और 32,000 करोड़ रुपए मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के भाग गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, नितिन संदेसरा 6,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया, 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी लूट के भाग गया। देश के चंद पूंजीपतियों ने हिंदुस्तान का 10.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया, जो आपके मित्रों हैं, मित्रों जो आपके करीबी पूंजीपति हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की बैंकों का, आम आदमी का 10.5 लाख करोड़ रुपए खाली कर दिया। तो भारत माता की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सेना के साथ आप गद्दारी करेंगे, भारत की सुरक्षा के साथ आप गद्दारी करेंगे, दुश्मन देशों के साथ लड़ाई में आप अप्रशिक्षित सेना के जवानों को भेजने का काम करेंगे, ये बात हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सिर्फ बेरोजगारी का सवाल नहीं है नौजवानों का, ये भारत माता की सुरक्षा का सवाल है, भारत के गौरव का सवाल है, भारतीय सेना के शौर्य का सवाल है। उसको कम करने की कोशिश आप कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यह काम मत कीजिए आप। पैसे का संकट, आर्थिक संकट, अडानी के लिए आर्थिक संकट नहीं,
नीरव मोदी और जिसको आप अपना मेहुल भाई बताते हैं, उस मेहुल भाई के लिए आर्थिक संकट नहीं, सेना के लिए आर्थिक संकट, भारत की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट, राफेल के रक्षा सौदे में दलाली खाने में आर्थिक संकट नहीं, उसमें अनिल अंबानी के साथ मिलकर दलाली खाया गया। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा के लिए आर्थिक संकट का बहाना लिया जा रहा है। क्या कहा हमारे रक्षा मंत्री जी ने, अग्निवीर योजना का मकसद भारतीय सेना को सर्वश्रेष्ठ सेना बनाना है। अरे भाई, भारत की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना है और अग्निवीर योजना से उस सर्वश्रेष्ठ सेना को आप एक साधारण सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं मोदी जी, एक जवान जब देश के लिए लड़ता है उसके मन में शहादत का जो जज्बा होता है तो ये सोचकर शहीद होता है कि उसके गांव में उसके नाम पर एक गेट बनेगा जिस पे शहीद का नाम लिखा होगा। उसके गांव के लोग गर्व से कहेंगे, उसकी मिट्टी के लोग, कि भारत का ये लाल हमारे गांव का है जो शहीद हुआ है। उसके मां बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाएगा, इसलिए वो सेना में अपनी शहादत। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।